हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना चौधरी. डॉक्टर अर्चना, वेलकम टू U24. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. इट्स बीन अ प्लेजेंट डे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं, और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानी का है. आप एक डॉक्टर टर्न्ड इनटू ए मॉडल हैं या फिर एक मॉडल टर्न्ड इनटू ए एक्टर हैं? सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन, बट आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम एन आई सर्जन, और मैं अभी भी आई सर्जन ही हूँ. मैं मुंबई में रहती हूँ, और कल मेरी OPD, मेरा क्लिनिक और मेरी सर्जरी सब करके ओवरनाइट फ्लाइट लेके मैं आज दिल्ली आई हूँ. और ये जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई थी डायडम मिसेज इंडिया लेगेसी से, जो मैं विनर, आई वन द क्राउन इन 2020, एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड मॉडलिंग एंड रैंप वॉकिंग, एंड देन आई वेंट फॉर मिसेज यूनिवर्स टू साउथ कोरिया दिस ईयर. अच्छा, अभी जैसा आपने बताया कि यू वेंट टू साउथ कोरिया दिस ईयर, तो ये आप एक मुंबई बेस्ड आई सर्जन है, तो ये मुंबई से साउथ कोरिया तक का सफ़र कैसा रहा? लाइक वो क्या मूवमेंट्स थे, वो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस था जिसके ज़रिए आप मुंबई से आप साउथ कोरिया पहुँची? तो ये जैसे मैंने कहा कि इट स्टार्टेड फ्रॉम माई विनिंग द क्राउन ऑफ मिसेज इंडिया लेगेसी, और ये दो साल का पूरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है मेरा, और इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. मेरी जो प्रिपरेशंस थी, एक पेजेंट की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो बहुत अलग होती है हमारे मेडिकल फील्ड से, और इसमें बहुत सारे लोगों ने इस जर्नी में मेरा साथ दिया, राइट फ्रॉम मेरी फैमिली, मेरे स्टाफ, मेरे दो हॉस्पिटल हैं मुंबई में, मेरे स्टाफ, मेरे जो नेशनल डायरेक्टर हैं अमिशा चौधरी डायडम मिसेज इंडिया के, तो पूरी टीम, ये पूरा टीम एफर्ट रहा है. ग्रूमिंग, यू नो, क्लोदिंग, द ट्रूजो, वॉकिंग, रैंप वॉकिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एवरीथिंग हैज़ प्लेड इट्स ओन रोल, और बहुत ही उमदा जर्नी रही है, एंड इट हैज़ बीन अ मेमोरेबल वन. ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में. हाँ, जब आपने अपना नाम उस टॉप 10 लिस्ट में आपने अपने आप को देखा, क्या कुछ लाइक आपके बॉडी में क्या रश चल रहा था, वो कैसा मूवमेंट था, आप अपने फैंस को बताएं? सो सबसे पहले वो फिनाले के दिन टॉप 25 डिक्लेयर करते हैं, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड. द फर्स्ट नेम दैट दे टुक वाज मिसेस साउथ एशिया डॉक्टर अर्चना चौधरी. सो जैसे वो कानों में मेरे साउथ एशिया पड़ा, तो आई वाज लाइक नो, एक्साइटमेंट तो कुछ अलग लेवल पे थी, एंड एवरीबडी वाज क्लैपिंग, तो वो मोमेंट ही कुछ कैन नॉट फॉरगेट इट, इट्स अनफॉरगेटेबल. एंड तो केम ऑन द स्टेज, एंड बहुत ही क्लियर कट मेमोरीज है मेरे लिए वो, और मुझे लगता है वो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगी, एंड डैम एक्साइटेड अबाउट इट. अच्छा, मैं आपके इंस्टाग्राम पे गो थ्रू कर रहा था, आई वॉज चेकिंग यू, तो मैं एक जगह एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे मैं स्टॉप हुआ, आई सॉ योर गंगा लुक, इट वॉज डैम इम्प्रेसिव. आपका वो जो लुक था, पर्सनली मैं उसको देख के बहुत इम्प्रेस हुआ कि जितना ब्यूटिफुली उसे बनाया गया था, उसकी जिस तरह से उसकी उसे शूट किया गया था, तो ये जो टाइटल है गंगा लुक, ये कहाँ से माइंड में आया? क्या ये आपका आइडिया था या आपके डिज़ाइनर का आइडिया था, क्या कुछ इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो ये पूरा टीम एफर्ट है, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम एक अपने में एक कंपटीशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमें अपने नेशन को प्रेजेंट करना है, तो हमें कुछ अपने व्हाट इज़ हमारी जो गॉडेसेस हैं, देवी गंगा, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. हम गंगा एज अ रिवर इज़ व्हाट वी आर, द होल आर्यन कम्युनिटी दैट हैज़ यू नो कम अप फ्रॉम, जो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि कैसे गंगा हैज़ प्लेड रोल, इम्पॉर्टेंट रोल इन द होल कंट्री, लाइक यू नो जहाँ से ये माउंटेन से इरप्ट होती है, एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये हम इनको, इसको हम किस तरीके से इसको हम पेश कर सकते हैं इन इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल वाटर्स, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी ऑफकोर्स, क्योंकि वो एक पूरा बहुत बड़ा प्रॉप था उसको कैरी करना, और ये पूरा टीम एफर्ट है फ्रॉम द डिज़ाइनर टू माई डायडम मिसेज इंडिया की जो टीम है, और हमारी जो ये जो सोच थी वो हम उसको कैसे कर पाए, दैट वाज वन वेरी मेमोरेबल थिंग. एंड यस, इट वाज अप्रिशिएटेड अ लॉट ओवर देयर. ये आउटफिट बहुत अप्रिशिएट हुई थी, ये लुक बहुत अप्रिशिएट हुई थी, एंड आई फील दैट बिकॉज एज अ वुमेन, इफ यू नो हम हमारी कंट्री, हमारे इंडिया की जो हम देवी की बात करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि वी आर एजुकेटेड, वी आर एज पावरफुल एज अ गॉडेस एंड वी हैव, वी आर एम्पावर्ड टुडे. सो यही चीज़ हम दिखाना चाहते थे टू एवरीबडी, मीन्स ऑल द होल वर्ल्ड, दैट दिस इज़ वॉट इंडिया इज़ ऑल अबाउट. इस टाइटल के बाद, मिसेस यूनिवर्स टाइटल के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? सो इट्स बीन वेरी फैबुलस द मोमेंट एंड नाउ लाइक लोग पहचानने लगे हैं. सो द पीपल कम एंड आस्क मी कि हम भी कैसे कर सकते हैं, क्या हम भी जा सकते हैं मिसेस यूनिवर्स के लिए, एंड वी वांट टू क्लिक पिक्चर्स विद मी एंड दे यू नो वो छोटी छोटी चीज़ें पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है और ये कैसे पॉसिबल है. एज अ डॉक्टर, जैसे आप मुझे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं कि आप कैसे एज अ डॉक्टर आप दोनों चीज़ें कर पा रहे हो और आप कैसे इसको बैलेंस करते हो. सो आई थिंक एक लेडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन ऑल्सो एंड योर फैमिली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू परस्यू योर ड्रीम्स, यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट बिकॉज इट्स जस्ट वन लाइफ. एंड जो हमारा पैशन है वो हमें फॉलो करना चाहिए, बैलेंस हो जाता है अगर हम चाहें तो. And things work out. It was very lovely talking to you, Dr. Archana. And congratulations. And thank you so much hamari country ko itna proud karane ke liye. Thank you so much on being on E24. Thank you so much to the whole team of E24. Thank you. And I'm glad I'm here today. Thank you so much.